पत्तों की घर में वारदात करके फरार होने वाले तीन डाकू पुलिस के साथ मुकाबले के बाद गिरफ्तार। एक डाकू को अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दो डाकुओं ने मुहाफ़िज फोर्स के पुलिस के नौजवान मोहम्मद दीन जोया और मोहम्मद आसफ के पीछा करने पर फायरिंग शुरू कर दी। पत्तों की SHO सिटी पुलिस ने भारी नफरी के हमरा पूरे इलाके को घेरे में लेकर शदीद फायरिंग के बाद दोनों डाकू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं जिनमें सुहेल उर्फ सोली, गुलाम हुसैन और मोहम्मद शहजाद शामिल हैं, इनसे वारदात में छीने हुए हजारों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, 3 अदद पिस्तौल और 30 गोलियां बरामद कर ली। गिरफ्तार तीनों डाकू कसूर पुलिस को संगीन मुकदमा में मतलूब थे। मुलजमान से तफ्तीश जारी है।